अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी अमीर हमजा एंड यू गाइस आर वाचिंग हमजू पिशोरी। उम्मीद करता हूँ और सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो आज हम काफ़ी टाइम से इस मॉडल का वेट कर रहे थे। बाकी कंट्रीज़ में या हमारे पड़ोसी कंट्री इंडिया की बात कर लो तो वहाँ पे तकरीबन 4 मंथ पहले ही ये मॉडल आ चुका था। अब हमारे पास आ चुका है, कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान में ऑफिशियली वारंटी के साथ लॉन्च हो चुका है, और ये है सैमसंग का गैलेक्सी A14। A14 मॉडल है जिसमें 4GB 64GB और 4GB 128GB और 6GB 128GB वेरियंट हमारे पास आया है। सैमसंग का जो ए सीरीज़ का मॉडल है, ये एक टॉप एंड मॉडल है। जो नई से नई स्पेसिफिकेशन जब भी आती हैं तो वो सैमसंग गैलेक्सी ए सीरीज़ में देखी जाती हैं। सो इस मॉडल को अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं क्या इसमें कुछ नई चीज़ें डाली गई हैं या कोई नए स्पेक्स डाले गए हैं कि नहीं, जो कि हमें अट्रैक्ट करें इस मोबाइल की तरफ। सो इस मॉडल को अनबॉक्स करते हैं। इसमें हमारे पास 3 कलर दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास एक ब्लैक कलर है, एक आ जाता है हमारे पास सिल्वर कलर, और तीसरा कलर जो है हमारे पास आ जाता है बरगंडी टाइप का, जो कि S22 Ultra में हमें देखने को मिला था। इस तरह के कलर इसमें आए गए हैं। कलर काफ़ी खूबसूरत हैं, मोबाइल भी एक डिज़ाइन के हवाले से मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा है। एक्सबॉक्स को देखते ही एक हाई एंड फ़ोन, एक प्रीमियम फ़ोन की जो है फील आती है। ये इसके जो अभी S22 Ultra, S23 Ultra आते हैं उनके भी ऐसे ही बॉक्स दिया गया है। तो इस बॉक्स को भी देखते ही हमें एक ऐसा लगता है कि कोई एक फ्लैगशिप मॉडल दिया गया है। उनको हमने अनबॉक्स कर लिया है, ठीक है। इसमें एक चीज़ हमको देखने को मिल जाती है, वो है ये मॉडल जो है अभी, जो कि हम सब पाकिस्तानियों को काफ़ी पसंद होते थे, वो था वियतनाम। तो इस पर जो ब्रांडिंग की गई है, मेड इन वियतनाम लिखा गया है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेड इन वियतनाम आया है। पहले यहाँ पे मेड इन पाकिस्तान आ गया था, तो सारे कस्टमर कहते थे, जो कि 32 में आया था A32 मॉडल में, तो सब यही कहते कि हमें वियतनाम वाला मॉडल चाहिए जिस पे वियतनाम लिखा हो। तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो गई थी, और चीज़ दोनों सेम थी, बढ़िए कि मेड इन वियतनाम काफ़ी पसंद किया गया था। तो इसमें मेड इन वियतनाम आया है, और बॉक्स के साथ एक सिंपल केबल देखने को मिल जाती है, ठीक है, जो कि Type-C to Type-C केबल है। ये एक गुड पॉइंट है इसमें सैमसंग के A14 का, जो कि Type-C to Type-C केबल देखने को मिल जाती है। साथ में अडाप्टर नहीं दिया गया, अडाप्टर आपको एक नया परचेस करना पड़ेगा, Type-C अडाप्टर वो भी, और वो आपको एक्स्ट्रा परचेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, इसके साथ आ जाते हैं। तो इसमें हमारे पास जो फ़ोन पे जो मेन चीज़ जो इस पर हाईलाइट की गई है, वो है इन्फिनिटी वी डिस्प्ले, ट्रिपल कैमरा सेटअप, और साथ में जो है फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, ठीक है। तो इस फ़ोन को जो है रैपर से रिमूव कर लेते हैं। तो ये जो कलर हमारे पास दिया गया है, ये है ब्लैक कलर, ये है ब्लैक कलर है। इसमें एक कलर आ जाता है हमारे पास ग्रीन, और दूसरा कलर जो आ जाता है हमारे पास वो है सिल्वर कलर, ठीक है। ये ब्लैक कलर है, बैक पे जो है ऐसा लाइनिंग सी की गई है, ठीक है। और ये ब्लैक जो हमारे पास बैक आ जाती है प्लास्टिक की आ जाती है, साइड जो फ्रेम है ये भी हमारे पास प्लास्टिक का दिया गया है। इस पे फ्रंट पे आ जाएं तो फ्रंट पे इसकी डिस्प्ले है 6.66 इंचेस इसकी डिस्प्ले है। थिकनेस की बात आ जाए तो थिकनेस 9.1 mm इसकी थिकनेस है, जो कि काफ़ी एक बल्कि सा फ़ोन है। डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले इसमें दी गई है वो PLS LCD दी गई है। PLS LCD ये वो वाली पैनल है जो कि आम नॉर्मल LCD से ये थोड़ी सी ब्राइट होती है इसकी डिस्प्ले, और 90Hz की डिस्प्ले यहाँ पर हमारे पास दी गई है। फ़ोन को कर लेते हैं टर्न ऑन, और इसके बाकी फीचर्स पर फिर नज़र डाल लेते हैं। ही एक ऑप्शन मुझे नजर आया है इसका, जो कि बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन मुझे देखने को मिला है, वो है A14 का। जो अगर आप इस किसी और मोबाइल से इसमें डेटा ट्रांसफर करें, पहले Samsung अगर डेटा ट्रांसफर करना था तो वो तो इजी था, बट ये कि अब आप इस मोबाइल में आईफोन से भी डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इस Samsung पे। इसमें ऑप्शन दिया गया है गैलेक्सी और एंड्रॉयड, आईफोन और आईपैड, और आप जो है एप्पल से कोई भी मतलब डेटा हो आप इससे डायरेक्टली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन इसमें अभी इंक्लूड किया गया है। सो डिस्प्ले मोबाइल को हमने टर्न ऑन कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारे पास डिस्प्ले दी गई है 6.6 इंचेस की डिस्प्ले है, ठीक है, और PLS पैनल है, मैंने आपको बता दिया है। PLS पैनल वो होता है इसमें जो कि नॉर्मल LCD से एक अच्छा पैनल होता है, जो कि काफ़ी ब्राइट होता है। और यहाँ पर जो हमारे पास रिफ्रेश रेट दिया गया है 90Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, ठीक है, और ये मुझे काफ़ी एक अच्छे डिस्प्ले लगी है, ठीक है, मतलब कोई लैगिंग वगैरह इशू नहीं आ रहा मुझे। तो डिज़ाइन के हवाले से बात करें तो इसका डिज़ाइन जो है, जैसा कि S22 Ultra S23 Ultra तकरीबन थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो डिज़ाइन काफ़ी एक अच्छा डिज़ाइन दिया गया है। एक चीज़ इसमें जो है काफ़ी जो मैं कह लूँ कि एक डिसअपॉइंट मुझे किया एक चीज़ ने, वो है इसकी थिकनेस 9.1 mm इसकी थिकनेस है, तो काफ़ी एक बल्कि फ़ोन लग जाता है आप यहाँ से
देखें तो एक काफ़ी एक बल्कि फ़ोन है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइड पे फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है, पावर बटन भी यहाँ पे है, यहीं पे है, वॉल्यूम कीज़ भी यहीं पे है, ठीक है। इस साइड पे सिम ट्रे आ जाती है, ठीक है। नीचे हमारे पास हेडफोन जैक और टाइप सी पोर्ट दी गई है, साथ में स्पीकर दिया गया है। तो एक फ़ोन, एक इसकी डिसएडवांटेज मैं कह लूँ कि थोड़ा सा बल्कि फ़ोन है। सैमसंग के इतने बल्कि फ़ोन नहीं हुआ करते थे, जैसे कि इन्फिनिक्स के आते हैं वो तकरीबन इस तरह के बल्कि फ़ोन हुआ करते थे, करते हैं, हुआ करते थे, नहीं हैं। बट ये कि इस दफ़ा सैमसंग में भी ऐसा फ़ोन दिया गया है, और ओवरऑल इसकी डिज़ाइन लुक की बात करें तो काफ़ी एक खूबसूरत डिज़ाइन है। बट ये कि थोड़ा सा बल्कि एक फ़ोन है, ठीक है। इसके अलावा रेयर कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर दिया गया है, साथ में दो सेंसर जो है 2 2 मेगापिक्सल के जो है दो सेंसर दिए गए हैं। फ्रंट पे बात करें, फ्रंट पे हमारे पास 13 मेगापिक्सल इसका कैमरा आ जाता है। बैक कैमरा की अगर आप वीडियो रिकॉर्डिंग करें तो आपको 1080p इसकी रेजोल्यूशन है, और दूसरा 30 FPS पे आप जो है रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस वेट के बारे में आपको बताया नहीं, इसका जो वेट है 201 ग्राम इसका वेट है। हैंड फील भी इस फोन की काफ़ी एक अच्छी है, और 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है, तो कोई लैगिंग वगैरह नहीं है, बहुत ही स्मूथली वर्क कर रहा है मोबाइल। और इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें एक्जोनॉस 850 जो है इसमें प्रोसेसर दिया गया है, सैमसंग गैलेक्सी A14 में एक्जोनॉस 850 प्रोसेसर का अच्छा है। पर ये कि एक्सपीरियंस करेंगे, जब यूज़ करेंगे तो तभी इसका आइडिया होगा कि कैसा प्रोसेसर कैसा वर्क करता है, पबजी के ग्राफिक्स क्या प्रोवाइड करता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है इसके जो पबजी ग्राफिक्स होंगे वो स्मूथ में आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट प्रोवाइड करेंगे, जितना के अंदाजे के साथ मैं आपको कह सकता हूँ पबजी के हवाले से आपको ये फ्रेम रेट जो प्रोवाइड करेगा, ग्राफिक्स जो होंगे वो है स्मूथ में आपको अल्ट्रा फ्रेम रेट ये प्रोवाइड करेगा इस एक्जोनॉस 850 प्रोसेसर के साथ। प्रोसेसर अच्छा है, नॉर्मल वर्क के लिए भी अच्छा है, गेमिंग के लिए भी थोड़ा बहुत अच्छा है, पर ज़्यादा हैवी गेमिंग आप इस पर नहीं कर सकते। इसकी बैटरी की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी A14 में जो बैटरी दी गई है 5000 mAh इसकी बैटरी दी गई है, इसी वजह से भी थोड़ा बल्कि हो सकता है। पर ये कि आजकल मोबाइल आजकल फोन्स में 7000 mAh की बैटरी आ जाती है, जो कि इतने ही बल्कि होते हैं। पर ये कि 5000 mAh इसकी बैटरी दी गई है, ठीक है। इसमें 15 वॉट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें दिया गया है। इसकी स्टोरेज की बात करें तो इसमें जो दो रैम रोम आ जाती हैं, एक 4GB 128GB आ जाता है, दूसरा इसमें जो वेरियंट है वो 6GB 128GB का वेरिएंट आ जाता है। वेरिएंट हमने अनबॉक्स किया है वो 6GB 128GB वेरिएंट है। इसकी प्राइसेज जो मैं आपको एंड में बताऊंगा। कि फिंगरप्रिंट के हवाले से बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट दिया गया है, ठीक है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट है, ठीक है। इसमें पैटर्न, लॉक और पासवर्ड सब कुछ, फेस आईडी भी इसमें दी गई है, और साइड माउंटेड इसमें फिंगरप्रिंट इसमें दिया गया है। अगर इसके एंड्रॉयड वर्जन की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड लेटेस्ट वर्जन दिया गया है, एंड्रॉयड 13 का लेटेस्ट वर्जन इसमें डाला गया है। दूसरे इसमें जो अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है अपना सैमसंग का UI का जो 4.1 इसका ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, जो कि लेटेस्ट है। दूसरी में जो है 2 ईयर्स का एंड्रॉयड अपडेट दिया गया है। दूसरा 4 साल का जो है इसमें सिक्योरिटी अपडेट इसमें दिया गया है। सैमसंग 2 ईयर का एंड्रॉयड अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट इसमें प्रोवाइड किया गया है। सो ये थी हमारे पास इसमें मेन मेन स्पेसिफिकेशन। दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डिस्प्ले जो है 6.6 इंचज इसकी डिस्प्ले है, ठीक है। PLS पैनल इसमें दिया गया है, जो कि एक ब्राइट पैनल होता है नॉर्मल पैनल के लिहाज से, मतलब नॉर्मल LCD से PLS जो पैनल है ब्राइट होता है, ठीक है। 6.6 इंचज की डिस्प्ले है और 1080p इसकी रेजोल्यूशन है। बैक कैमरा इसका 50 मेगापिक्सल, साथ में दो जो कैमरे दिए गए हैं 2 2 मेगापिक्सल के। फ्रंट कैमरा इसमें और पास 13 मेगापिक्सल का आ जाता है। 5000 mAh इसकी बैटरी है, 15 वॉट इसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट इसमें दिया गया है। और इसमें जो प्राइसेस के हवाले से बात करें इसकी, तो दो वेरिएंट इसमें है, 4GB 128GB और 6GB 128GB। 4GB 128GB अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगा 67,000 रुपीज़ का, और अगर 6GB 128GB अगर आपको चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा 71,000 रुपीज़ का। सो ये थे हमारी सैमसंग के हवाले से एक अनबॉक्सिंग वीडियो। हमने अभी ये सेल भी कर चुके हैं, साथ में कस्टमर हमारा खड़ा है। कल परसों भी इसमें तकरीबन 2 से 3 वेरिएंट हमने सेल किए हैं, तो काफ़ी इसकी डिमांड भी है और लुक के लिहाज से भी अच्छा है।
इसके अगर कंपैरिजन की बात करें तो Y22 आ जाता है और साथ में C35 आ जाता है रियलमी का। तो Y22 के स्पेसिफिकेशन से तो ये काफ़ी बेटर है और इसका डिज़ाइन लुक भी काफ़ी बेटर है। वो 4GB 64GB वेरियंट है, ये 4GB 128GB वेरियंट आपको इस रेंज में मिल जाता है। तो मेरे लिहाज से ये उनसे एक बेटर फ़ोन है, कंपैरिजन कर भी लें तो उससे ये बेटर हो जाता है ये फ़ोन। सो ये थी हमारी आज की सैमसंग के वाले से अनबॉक्सिंग वीडियो। आपको फ़ोन कैसा लगा? मेरा कस्टमर भी वेट कर रहा है क्योंकि ये फ़ोन उसको वापस देना है, तो और मैंने इसलिए मैंने कहा जल्दी से जल्दी अनबॉक्सिंग वीडियो बना लूं क्योंकि एक दो दिन से ये फ़ोन आ चुका है। सो आपको ये फ़ोन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर फ़ोन अच्छा लगा हो साथ में हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।